विदेशों की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फूड्स प्रोडक्ट की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी भोपाल के त्रिलंगा स्थित महेश प्रोटीन में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कंपनी के डायरेक्टर और CFO गोल्ड फ्रोजन फूड अर्चित गोयल मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत रही, साथ ही तेज रफ्तार से इस दौर में वक्त की कीमत है, मध्य प्रदेश भी मेट्रो सिटी की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, लिहाजा इस दौड़ भाग की जिंदगी में लोगों को अपने लिए ही वक्त कम मिल पाता है। ऐसे में गोल्ड फ्रोजन फूड्स बेहद सुविधाजनक प्रोडक्ट साबित होगा। यह खाद्य सामग्री का प्रोडक्ट होता है जिसमें खाना बनाने में वक्त, गैस और अन्य दिक्कतों का सामना नहीं करना होता। सिर्फ ओवन और माइक्रोवेव में चंद मिनटों में ही यह प्योर हाइजेनिक और केमिकल रहित प्रोडक्ट से फूड तैयार हो जाता है। स्वाभाविक रूप से मेरा कहना सांची भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, अमूल भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। अमूल हिंदुस्तान में लगभग 130-135 देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचती है। अभी मैंने अमूल के CMD को बुलाए थे, बड़ी मदद की। ऐसे विचार करें कि जहाँ जहाँ इनका डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहाँ जहाँ ये लोग आगे बढ़ सकते, क्योंकि बिजनेस में हमसे पॉलिटिकल लोग हैं, हमसे 50% ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं। तो रचित साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मंत्री जी के आने के लिए, और इसको आज यहाँ मध्य भारत का ही प्रोडक्ट है, मध्य भारत की कंपनी है, इसको यहाँ शुभारंभ करने के लिए। ये प्रोडक्ट आज 30-35 शहरों के में बिक रहा है पूरे देश में अभी, और विदेशों में करीब करीब 7-8 देशों में जा रहा है। और हम प्रयास ये ज़रूर करेंगे कि अपने मध्य भारत की छाप पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में एक अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में छोड़ें। सर, सांची से भी टाइप करने की कोई सांची से भी टाइप करने की, ताकि और ग्रामीण और दूर एरिया में भी जा सके, वो हम जैसा हमको आगे से आदेश मिलेगा वैसा करेंगे। अभी कितने आउटलेट्स तो मिलेगा भोपाल में? आज के दिन में 25-30 आउटलेट में अवेलेबल है, और आपको अगले ही हफ्ते से टोटल मिला के 50 आउटलेट्स में ये मिल जाएंगे।